मैडम, कुछ जराये से पता चला कि सनाउल्लाह साहब ने पार्टी चेयरमैन से टाइम लिया है मीटिंग के लिए। क्या आप क्या कह रहे हैं? ये मीटिंग नहीं हो सकती। आप अपने जराये से कहें कि इस मीटिंग को कैंसिल करवाए फौरन। मैम, चेयरमैन साहब ने खुद फोन अटेंड किया और इसी वक्त मुझे अपने पास आने का कहा है। तो जाइए। ओके। शमायला, शमायला मेरा फोन ला के दो। यही प्रॉब्लम है इन छोटे लोगों की, बड़े आदमी से मिला दो छोटी छोटी बातें लेके पहुंच जाते हैं। बेगम साहब, आपका फोन। जाओ। दानिया तो दानिया, उसका मामू एक हाथ आगे निकला है उससे। हाँ शहरोज, किधर हो? हद होती है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अच्छी खासी बीवी और बच्चे हैं तुम्हारे, फिर भी उस कैम के पास वापस चले गए हो। कैम मेरी बीवी है, औलाद है मेरी उसके पास भी। दानिया तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ ना एक सियासी फिगर भी है, तुम्हारी चाचा की बेटी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है। तुम्हें पता है मामू ना चले गए चेयरमैन के पास, ना जाने क्या क्या कह रहे होंगे उधर। स्कैम की वजह से ना सब कुछ खत्म हो सकता है, हमारा पॉलिटिकल करियर, सोशल स्टैंडिंग। वो तो ढेर सारे पैसे लेके चली गई थी, अब तुम्हारी जिंदगी में वापस कैसे आई? उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, वो सारे पैसे उसने मेरे अकाउंट में वापस डाल दिए। आप ये पानी पिए और मेरी बात गौर से सुने। कैम सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मेरी मोहब्बत है। वो एक आम लड़की नहीं है, वो एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, मजहब लड़की है। मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अच्छा, पूरे पैसे लिए थे उसने तुम्हारे लिए, ये कह के गई थी कि दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। मुहज्जब लड़कियां ऐसी होती हैं क्या? कहा तो है, वो सारे पैसे उसने मुझे वापस कर दिए। इसको छोड़ नहीं सकता और हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ये हम दोनों का यकीन है। तुम में थोड़ी सी भी अकल है कि नहीं? 16 साल के लड़के की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? दानिया से अलैदगी का मतलब है सियासत से अलैदगी। मनाओ उसे, वापस लेके आओ। हम उसे ज्यादा दिन बच्चों से दूर नहीं रख सकते, ये बात इस घर से निकल गई ना तो हम पे ही आएगी। मैम, मोहित साहब का फोन आया है, वो बता रहे हैं चेयरमैन साहब रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने वाले हैं। क्या चेयरमैन खुद आ रहे हैं?